रांची के आरजेडी कार्यालय में आज स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के सभी नेताओं ने झारखंड में पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प लिया है। इसके साथ ही आरजेडी नेताओं ने लोजपा नेता रामविलास पासवान के चित्र पर माल्यार्पण भी किया है। वहीं झारखंड आरजेडी प्रभारी जयप्रकाश यादव से बात की हमारे संवाददाता जयलाल ने। राष्ट्रीय जनता दल आज 26 साल का हो गया। जाहिर सी बात है आरजेडी ने इस दौरान कई ऐसे मुश्किलें देखे, कई ऐसे पड़ाव देखे, तब जब कई लोगों ने यह तक कहा कि आरजेडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने कई बार कहा कि आरजेडी लालू प्रसाद द एंड होने वाला शख्स नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, राजद के वरिष्ठ नेता और झारखंड राजद के प्रभारी जयप्रकाश यादव जी हैं। राष्ट्रीय जनता दल का स्थापना 5 जुलाई 1997 को हुआ। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बहुत ही सोच विचार कर राष्ट्रीय जनता दल का बुनियाद और निर्माण करने का काम किया और राष्ट्रीय जनता दल एक सिद्धांत वाली पार्टी है, एक विचार वाली पार्टी है। हम अपने सिद्धांतों विचारों से समझौता नहीं कर सकते हैं। हमारे नेता ने लालू प्रसाद यादव जी समझौता नहीं कर सकते हैं। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर रामन लोहिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण से लेकर के जो देश के बड़े चोटी के नेता हैं उनके विचारों को मानते हुए हम संविधान में संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। लालू जी ने स्वयं कहा कि हमें 1000 बार भी कुर्सी छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ेंगे, लेकिन कभी भाजपा के सामने हम घुटना नहीं टेकेंगे। झारखंड प्रदेश में राष्ट्रीय जनता दल को जमीनी सच्चाई के साथ, सदस्यता अभियान के साथ हम विधानसभा बार जो है पूरी तैयारी कर रहे हैं और राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड प्रदेश में हम एक नंबर की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को बनाएंगे। देवाशीष के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।